नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे कब आए? अभी आया। मैंने तो सोचा था तुम गाना वाना शुरू कर दी मगर तो... और आप चोरी चोरी सुनेंगे। लालच बहुत बुरी बला है, जितनी भी मिले चाहत कभी पूरी नहीं होती। और आज तो एक हफ्ते साथ आया हूँ, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और ये खुशखबरी माँ के बाद सिर्फ तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या खुशखबरी है? हम इम्तिहान में फर्स्ट आए हैं। रियली? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे लिए नामुमकिन हो। नहीं नहीं ये बात नहीं, ठहरो। कहाँ जा रहे हो? तुम खुशखबरी लाए हो, मुँह मीठा कराना चाहिए। अभी मिठाई लेकर आती हूँ। मम्मी तेरा फ्रिज की चाबी देना। तुम हमेशा फ्रिज क्यों बंद रखती हो? अरे बंद नहीं रखूंगी तो सब लूट लाट के खा पी जाएंगे। मगर तुझे यह चाबी की जरूरत क्यों आन पड़ी? अजय आया है, उसका मुंह मीठा कराना है। हमेशा तो चाय से ही उसका स्वागत करती है, आज ये मिठाई की जरूरत क्यों आन पड़ी? अजय इम्तिहान में फर्स्ट आया है तो कौन सा तीर मार लिया? ओहो मम्मी जरा वॉल्यूम धीरे रखो ना। अच्छा तू धरा। अरे तू हट ना, बैठ। चाहे कोई भी तीर मारे, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तू उसके तीर का निशाना ना बन जाए। फर्स्ट आए या सेकंड, मास्टर की औलाद है आखिर थर्ड क्लास मास्टर ही बनेगा। तो मम्मी तुम क्या समझती हो, मैं असल की कच्ची हूँ, प्रीमियम स्टूडेंट है और मैं भी तो पढ़ाई में कच्ची हूँ और अच्छा भी पढ़ाता है, इसी थोड़ा मक्का मारती हूँ। लाओ चाबी लाओ। लो मुँह मीठा कर लो। तुम्हारी बात में इतनी मिठास है, कोई भी गलत नहीं पड़ सकता है। खुशखबरी तो मैं तुम्हें सुना चुका, लेकिन आज मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? दौलत तो तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। क्या कह रहे हो? अक्ल की तो तुम बहुत पक्की हो, लेकिन पढ़ाई में बहुत कच्ची हो, इसलिए डैडी से कहकर टीचर जरूर रख लेना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ। आखिर देखो तो सही तुम इस जंगल में क्या तीर मार रहे हैं। ठहरो, ये तो नीला शहर नहीं गांव है, लोग तुम्हें इस ड्रेस में देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और फिर मेरे साथ तुम्हारा इस तरह जाना लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। अच्छा तो इस गांव में रंग रलियां मनाने का हक सिर्फ इस गांव की लड़कियों को है? कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो सब कहते हैं। तो ठीक है फिर जाकर वही सुनो जो सब कह रहे हैं। फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ओहो आ रही हूँ। हाँ नहीं पहचाना ना? हम लोग शहर से आए हैं, ये है मेरी बेटी नीला। हेलो, वो सुंदरगढ़ के चौधरी है ना? समझी, आइए पधारिए, मैं भी छुपा हूँ, ऐसे मेहमान हमारे घर। आइए आइए बैठी बैठी, मगर बिठाऊं भी तो कहाँ बिठाऊं, आप जैसे मेहमानों को तो सर पे बिठाना चाहिए, लेकिन हमारा सरमुआ मजबूत ही तो नहीं है। आप नानी हैं? मालक ओ क्या बताऊं, अजय ने जबरदस्ती यहाँ बुला लिया, बेचारी अकेली पड़ गई थी तो अजय ने कहा कि मास्टर जी की जवान भांजी है, उसको सहेली बना लो, वक्त कट जाएगा। क्या नाम बताया आपने अपनी भांजी का? अरे ओ कलमुई, माफ कीजिए, मैं प्यार से उसे इसी नाम से बुलाती हूँ। कलमुई, अरे वहाँ से क्या ताक झाक कर रही है, जरा बाहर तो आना। अरे आते क्यों नहीं, जल्दी से आना। देख देख देख, अरे तेरी सहेली आई है, वो भी शहर से। दीदी जी, आपने मुझसे कहा?
आपको डर नहीं लगता? क्यों बहना? यही कि घर में एक जवान भांजी है, मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती। खैर मेरी बेटी की तो पहले से ही शादी तय हो चुकी है, अपने अजय के साथ दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। अरे चुपचाप खड़ी क्यों है, इधर आ बात कर। बेटी ये सीने पर अंग्रेजी में इश्तेहार क्यों लगाया है? मत पूछो दीदी, क्या बताऊं, ये आजकल का नया फैशन है, अजय खरीद कर लाया है इसके लिए फॉरेन से। अच्छा कब हो रही है शादी? बस जितनी जल्दी हो सके। ओ मैं समझी तारीख भी पक्की हो गई और आप हमें न्योता देने आई थी। जान पहचान हो गई है तो न्योते की क्या जरूरत है, मगर आइएगा जरूर। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ मेरी बहना, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी तकलीफ उठाकर हमें ये खुशखबरी सुनाने आई हो। मुँह मीठा किए बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, जा थाली में थोड़ा सा गुड़ और पानी लिया। आपकी बातों में ही काफी मिठास है। बहना बड़ी समझदार है हमारी बेटी। चलो माँ। नमस्ते, चलिए। दीदी मैंने ठीक ही सोचा था कि तुम मंदिर में मिलोगी। क्या आप मुझसे मिले आए हैं? मंदिर के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। बात क्या है, आजकल तुम खुलने की नहीं आते ऐसे। अरे हाँ मैंने आपकी राजकुमारी को देख लिया है। राजकुमारी? जी हाँ, वो हमारे घर खुद चलकर आई थी, साथ में उनकी माँ भी थी। कौन, नीला तुम्हारे घर? अरे वाह आपको तो याद भी नहीं, मगर मैंने सुना था आपने खुद उन्हें हमारे घर भेजा था मेरी सहेली बनाने के लिए। क्या कह रही हो तुम? जाने दीजिए, बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई? वही शादी की। वैसे उनकी माँ कह रही थी वो हमें न्योता भेजेगी, मगर राज राजवानों की शादी में तो दो ही लोग जा सकते हैं, एक वो जो उनके बराबर हो और दूसरे भिखारी। ये सब क्या कह रही हो तुम? आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि वो आप दोनों को खुश रखे। माला सुनो तो। हाय अजय, तुम लोग मास्टर जी के घर क्या करने गए थे? मैं तो वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने कहा चलो चल के जान पहचान कर लेते हैं। तुम लोग उनके घर जान पहचान करने नहीं गए थे, बल्कि ये कहने गए थे कि तुम्हारी और मेरी शादी पक्की हो गई है, यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी उन्हें इस खुशी में दावत भी दे आई है। अच्छा तो ये शिकायत शायद तुम्हारी उस अनपढ़ गवार लड़की ने की होगी। नीला तुम लोग अपने आप को कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड समझते हो, लेकिन ये मत भूलो हर इंसान की इज्जत होती है। आज इस झूट को तुम वहां सच साबित करने गए थे, कल जब ये बात गलत निकलेगी तो तुम लोग खुद उनके सामने छोटे पड़ जाओगे। सुन लिया, अब मेहरबानी करके यहाँ से चलो, उससे लिए बगैर। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था अगर उन लोगों को अजय की शैना होती तो क्या वो दो कौड़ी की औरत इस तरह हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत भी कर सकती? तो कौन से छाले पड़ गए तेरे बदन में? देख तेरे डैडी की चिट्ठी आई है, मुझे दो दिन के लिए शहर जाना है। और मैं? तुझे यही रहना होगा। नहीं, सिर्फ रहना ही नहीं उस पर कड़ी नजर भी रखना है। और सुन, बातों बातों में जो तेरी इज्जत के छिलके उतर जाते हैं उसे रोक, शादी के बाद जितनी चाहे उसे गर्मी दिखाना। मास्टर, मास्टर। अरे बदाम तू पीछे के दरवाजे से क्यों आ गया? आजा आजा, घबरा मत, वो घर में नहीं है। आजा आजा।
मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, वो नदी पर पानी भरने जा रही थी। अच्छा, अब बैठ 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 बैठ। देखो मास्टर, अब मामला बहुत आगे बढ़ गया और अपनी इज्जत का सवाल है, वरना तुम्हारे इस घर में कौन कदम रखता था? बदाम तो वही है, मैं शादी से कब इनकार करता हूँ। तू एक काम कर, थोड़े दिन ठहर जा और ये मुसीबत को टल जाने दे। ठीक है मास्टर, मगर याद रखना मैं भी बहुत खतरनाक आदमी हूँ। वो तो है। अगर तुम अपने वादे से पलट गए तो तुम्हारे लिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और वो होऊंगा मैं। नहीं 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 नहीं, देख बलराम, तू तो काली बिल्ली की उल्टी सुल्टी बात करता है भाई। उसको बहुत देर हो गई है, वो पानी लेके अभी आती होगी। तू अपने आप को इधर से निकाल। नहीं नहीं नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से आ, चल 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 चल। अच्छी बात है, एक बार शादी हो जाने दो, मैं इन सबको देख लूंगा और उस पुरोहित के बच्चे को भी। अरे अरे जी, चल 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 चल। अरे जल्दी पाँव उठा, चल निकल यहाँ से, यहाँ चल जल्दी से। किससे बातें कर रहे थे? कौन आया था? आया आया तो कोई भी नहीं था। बातें बातें तो मैं माला से कर रहा था। कौन आया था रे? वैसे क्यों नहीं, कौन आया था? अलरम क्या? बदाम, हाँ आया था, इधर के दरवाजे आया, मैंने इधर से भगा दिया। मैं कहती हूँ अब भी सुधर जाओ, गांव में जो कुछ सुन रही हूँ एक दिन सबके हाथ में हथकड़ियाँ लगेंगी और तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसे रहोगे। राम भजन जी सरकार, गाड़ी नहीं है, ये लोग चले गए क्या? वो मोटी मेहन साहब गई, छोटी मेहन साहब है। हमारी मम्मी चली गई? हाँ, मम्मी ने कहा एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। तो नीला तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। अजय, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने आप से पूछो और अगर जवाब ना मिले तो अपनी मम्मी से पूछ लेना। क्या बात है? एक भी मजदूर काम पे नहीं आए। अस्पताल में भी कोई? दो चार मजदूरों के घर गए थे हम लोग, कोई कहता वो बीमार है और कोई मजदूर कहता कि दूसरे गांव में काम पर जाना है। अरे आनंद, तेरा स्कूल जल्दी जल्दी बन रहा है कि नहीं? मास्टर कह रहा था हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है, बच्चे को क्या दूसरे गांव भेजूंगा? अबे शादी से पहले तो मैं तेरे शराब की जगह ढूंढता हूँ। क्या मरकट पे मुझे? रहने दो बेटे, सड़क के कुत्ते जब भौंकते हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। सभी लोगों की बदमाशी। अगर ये इन लोगों की बदमाशी है तो हम इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम गाँव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो ये काम हम अपने हाथों से पूरा करेंगे। शाबाश, ठीक है शुरू हो जाओ। जय शंकर ने हमारे गांव के लड़कों को साथ लेकर जो कुछ किया है उसके लिए हम सबको अजय शंकर का आभारी होना चाहिए। हाँ, बोलो अजय भैया की। अरे नहीं नहीं, इसके हकदार तो नाना जी है। नाना जी सलाम सर। अरे क्या बात है? तुम एबी जी ने चिट्ठी लिखकर गाड़ी मंगवाई थी, मेन साहब ने गाड़ी भेजी। आ गए तुम? जी बीबी जी, मेन साहब ने कहा है आज आप वापस आना चाहें तो ठीक, नहीं तो मैं गाड़ी यहीं छोड़कर ट्रेन से वापस चला जाता। ठीक है। ये अचानक गाड़ी क्यों मंगवाए? मैंने सोचा यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे मेम साहब ने कहा है वैसा ही करो, ये रुपया लो और तुम ट्रेन से चले जाओ। मगर देखिए, तुम आ जाना बाद में। देखो नीला, तुम अभी बच्ची हो,
और इस वक्त गुस्से में हो, और बड़ों का कहना है कि गुस्से में अगर कोई काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। हमारा कहना मानो, अजय को आ ही जाने दो, और फिर अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो वो खुद तुम्हें छोड़ने चला जाए। तुम एक बार उसे अपनी माँ के पास ले जाओ, वो सब ठीक कर देंगे। ओहो, हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अरे राम भजन, ड्राइवर को स्टेशन का रास्ता दिखा दो। नीला, नीला, जम्मू दादा कह रहे थे तुम आज जाना चाहती हो। हाँ। तो गाड़ी मंगवाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया था, मैं छोड़ा था तुम्हें। वो तो मुझे मालूम है, मेरे जाने से तुम्हारी बला टल जाएगी। देखो नीला, जाने से पहले किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाऊं। तुम्हें छोड़ा शंभू दादा आया। शंभू दादा, मैं नीला को छोड़ने जा रहा हूँ, कल शाम तक लौटाऊंगा। तुम सामान वगैरह पैक करो। सुजान सिंह, yes, गेट नंबर 3 से बाहर जाओ और राम भजन से कहो जल्दी जाकर बलराम को बुला। मास्टर, बलराम तू क्या बात है? जल्दी से तैयारी शुरू कर दो शादी की। क्या मतलब? थोड़ी देर में वो कमबख्त शहरी छोकरी को छोड़ने शहर जा रहा है मोटर में। सरजू बाबू का हुक्म, मैं साधु खान को लेकर बीरपुर के जंगल में उसका इंतजार करूंगा। जैसे ही वहां मोटर पहुंचेगी मामला खत्म। ये बात किसी के कान में पड़ गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दीदी की तबीयत बहुत खराब है, तू जा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू जा बाबा जा। नीला, मौसम का हाल देखकर तो लगता है हमें सुबह निकलना चाहिए। ये क्या? वो जा रही है। इस तूफानी रात में तुमने उसे रोका नहीं? कोई माने तब ना। ठीक है, तुम सामान गाड़ी में मत रखो। ये क्या? मैं जा रही हूँ। देखो नीला, बारिश बहुत जोर से हो रही है, मत जाओ प्लीज। नीला, नीला जी, तुम्हारा पागलपन है। देखो अगर जाना ही चाहते तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। सुनो सुनो नीला, मत जाओ नीला। नीला, तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपनी गए, अच्छा हुआ। क्या बात है? मामा, और मैं सुन रहा हूं। क्या बात है? क्या बात है, बोलो ना। किसे सुना तुमने? बलराम मामा से कह रहा था। ये तो नीला मुसीबत में पड़ जाएगी। आओ मेरे साथ। ये क्या, दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। शंभू दादा, अरे कोई है? शंभू दादा, लग रहा है। कौन है तुम लोग? कौन हो? अरे ये तो अकेली है, इसे ले चलो। चल चल।
उतर। अरे क्या बात है, क्या चाहिए तुम लोगों को? ये शहर नहीं है सज्जू बाबू, ये गांव है। और आपका भाई मास्टर जी के भांजी को यहाँ लेकर आया है और वो इसी मकान में है। जबान क्या बात क्या है? अरे तुम यहाँ हो? ये कमीने कह रहे हैं मास्टर की भांजी तुम्हारे साथ है। हाँ है। क्यों है, किस लिए है? अरे शायद ये पूछने आई होगी कि स्कूल और अस्पताल का काम कहाँ तक हो चुका है। आप तमीज से बात कीजिए। आप लोग जानना चाहते हैं कि मास्टर जी की भांजी यहाँ क्यों आई थी, तो मास्टर जी यहाँ खुद मौजूद है, पूछ लीजिए इनसे क्यों आई थी। अरे वाह, मुझे क्या मालूम, मैं क्या बताऊंगा। मैं तो आराम से घर में सो रहा था, अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई तो मेरी आँख खुल गई, देखा तो भांजी गायब। बारिश बंद होते ही मैं उसे ढूंढने निकल गया तो रास्ते में आपका वो क्या कहते हैं चौकीदार है ना, क्या नाम उसका, अबे क्या नाम है तेरा? राम भजन। राम भजन, राम भजन ने कहा कि वो यहाँ है। और वो यहाँ है, इसने सारे गांव के सामने मेरी नाक कटा दी। अजय रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अजय बाबू, अगर आप ये बता दें कि माला यहाँ क्यों आई तो अच्छा होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं बता सकता कि माला यहाँ क्यों आई थी। हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि माला निर्दोष है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अजय भैया, हम भी ये जानना चाहते हैं कि माला यहाँ क्यों आई। मैं मजबूर हूँ, ये मैं नहीं बता सकता। तो हम भी मजबूर हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते। ठीक है, तुम लोग भी जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सुना नहीं, जाइए आप सब लोग, जाइए यहाँ से। चलो जाओ जाओ भाई जाओ। बहुत शौक है तुझे शादी का है, जमीने हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। बोल कौन सा तीर मार के आया है, कहाँ है वो छोकरी? चोर कोठरी में बंद है। क्या बात है अफसर? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? शमशान से। शमशान से? सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ माला समाज। बेचारे चल रहा चल चल। और क्या, हमारे बच्चे और इसके सुन में पड़ेंगे। बाबा, वो सरजू बाबू गांव वालों को लेकर मंदिर की तरफ आ रहे हैं। क्यों? वो लोग माला को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। क्या नाना जी, डरने की क्या बात है दीदी? शिवा तू यही ठहर,
मैं आनंद भैया को खबर करता हूँ। दीदी तू जा अंदर जाकर माँ के पास बैठ, झंडा नहीं माँ तेरी रक्षा करेगी, चल।